एस्केप वेलोसिटी का मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जो आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से दें और ऊपर फेंकें, तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करता हुआ चला जाए और वापस कभी ना आए। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करवाने का मतलब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस जा चुके हैं, आप पता नहीं कहाँ मिलेगी आपको बॉडी, कभी नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी। तो अब इस केस में सपोज करो ये अर्थ, आपने एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकना है जिसका मास है छोटा एम। कहाँ से फेंकना है? सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकना है। कहाँ फेंकना है? इन्फिनिटी पे फेंकना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन जो करेंगे उसमें फोर्स वेरिएबल होगी, क्योंकि जितनी दूरी बढ़ती जाएगी फोर्स कम होती जा रही है। वेरिएबल फोर्स में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो मान लेते हैं सेंटर से पी पॉइंट की दूरी कितनी है? एक्स है। बना लें डायग्राम में, सेंटर से पी पॉइंट की दूरी मिसिंग है इसमें, बनाए एक्स है। तो सेंटर से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx क्या बनेगा? एफ डी एक्स कॉस जीरो। फोर्स की वैल्यू x डिस्टेंस पे क्या होगी? जी एम बाई एक्स स्क्वायर dx। तो हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या लगेंगी? डिस्टेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? इन सरफेस ऑफ अर्थ से, सरफेस से कैपिटल R से कहां तक? इन्फिनिटी तक। और वर्क डन जीरो से W तक, क्योंकि R डिस्टेंस पे जीरो वर्क डन है और इन्फिनाइट पे टोटल वर्क डन कितना हो गया? W। तो ये कॉमन आ गया, ये ऊपर लेके जाएंगे x की पावर माइनस टू, इसे इंटीग्रेट करेंगे x की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस वन बाहर आ गया। x की पावर माइनस वन क्या होता है? वन बाई एक्स। एक बार x की जगह इन्फिनिटी, एक बार x की जगह R, वन बाई इन्फिनिटी क्या है? जीरो। तो ये वर्क डन की वैल्यू आ गई, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की वर्क डन से बिल्कुल अपोजिट है, वो माइनस में है, ये प्लस में है। वो इसलिए क्योंकि लिमिट्स हमने उल्टी लगा रखी हैं। ये वर्क डन आपको करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जिस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इसे प्लीज नोट कर लें फॉर्मूला में, अंडर रूट ऑफ टू बड़ा जी बड़ा एम बाई आर। एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। ये नोट कर लें, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद एस्केप वेलोसिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। तो आपको क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में बहुत, एनसीईआरटी नीट में हर बार एक एक बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है रादर, कि अगर आपने 45 डिग्री एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 60 डिग्री पे फेंका तो क्या हो जाएगी? कई बुक्स तो डायग्राम बना बना के दिखाती हैं, देखो 45 डिग्री फेंका एस्केप वेलोसिटी, कुछ नहीं होगा। एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल 11.2 ही रहेगी, ये चेंज कभी नहीं होगी, ये याद रखना है।